अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। पंजाब का शहर है खुशाब, जिसका इलाका है जौहराबाद। उसमें एक वाकया पेश आया। इसमें नेशनल बैंक का एक मैनेजर है मोहम्मद इमरान हनीफ, उसे उसी के अपने बैंक के सिक्योरिटी गार्ड नवाज वल्द जान ने फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। सिक्योरिटी गार्ड का इल्ज़ाम था कि मैनेजर जो है वो गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुर्तकिब हुआ है। ये वाकया पेश आने के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें देखा जा सकता है कि सिक्योरिटी गार्ड खत्म नबूवत के नारे लगा रहा है, एक जुलूस की क़यादत कर रहा है और अवाम का जम्मे गफीर उसके पीछे है। कोई उसका हाथ चूम रहा है, कोई उसका माथा चूम रहा है। वीडियोज़ में यह भी देखा जा सकता है कि पूरी सिचुएशन में एक जलूस की सूरत हाल में ये लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं और उसकी छत पर खड़े होकर भी नारेबाजी लगाई की जाती है। ये वीडियोस देखने के बाद हर कोई इस खोज में लग गया कि असल माजरा क्या है, क्योंकि ये सारा वाकया मशकूक बना देने वाली काफ़ी चीज़ें सोशल मीडिया पर ही मौजूद हैं। एक तो इस मकतूल मैनेजर की जो फेसबुक वॉल है, उस पर जब लोग गए तो उन्होंने देखा कि इस शख्स ने बायकॉट फ्रांस, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौलाना तारिक जमील के बयानात और अहले सुन्नत के उलमा के बयानात और इस तरह के बहुत से बयानात शेयर किए हुए थे। और इसकी वॉल पर हर दूसरी या तीसरी जो पोस्ट थी इस मैनेजर की मकतूल की, वो इस्लामी पोस्ट थी, मजहबी पोस्ट थी और मजहब के हक में पोस्ट थी। कोई इस तरह की पोस्ट नहीं थी जिससे मजहब की गुस्ताखी होती हो। और एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर अब वायरल है, जिसमें इसका मामू जो है मैनेजर का, वो हलफ उठाकर कह रहा है कि ये शख्स कादियानी नहीं था मेरा भांजा जिसे मारा गया, बल्कि ये एक सच्चा और पक्का आशिक़े रसूल था। ये वाकया कैसे पेश आया, इसके पीछे असल कहानी क्या है, क्या बैंक मैनेजर वाकई किसी गुस्ताखी का मुर्तकिब हुआ था या उसे बेगुनाह और नाहक कत्ल कर दिया गया, बैंक में इस वाकये से पहले चंद दिन पहले क्या वाकया पेश आया और जिसे बुनियाद बनाकर सिक्योरिटी गार्ड ने बैंक मैनेजर को कत्ल किया और यह संगीन कदम उठाया, यह सारी डिटेल्स आज की इस वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दें, ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज आप तक पहुंचती रहें। खवातीन हज़रात, अब यह पूरी सिचुएशन जो है, पूरा जो वाकया है, इसमें पुलिस का किरदार जो है वो भी आपके सामने रखेंगे, क्योंकि मुश्तैल हुजूम था, ये उसकी क़यादत कर रहा था और इस वाक़े में पुलिस ने किस तरह से महारत के साथ एक खाना जंगी से इलाके को बचाया, वहाँ पर दंगे फसाद होने से बचाया। पुलिस स्टेशन को माजी में हमने देखा कि इस तरह के वाक़यात के अंदर पुलिस स्टेशन को भी जला दिया जाता है और पुलिस स्टेशन पुलिस के ऊपर भी जानलेवा हमला हो जाता है। तो ये सारी सूरत हाल भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो FIR है उसकी कॉपी भी हमें रिसीव हुई है और इसकी कॉपी जो है वो इसके भाई की मुदैयत में, बैंक मैनेजर के भाई की मुदैयत में ये FIR दर्ज की गई है। इस FIR का मतन भी आपके सामने रखते हैं और इस FIR में इसका भाई है, जो छोटा भाई, वो लिखता है कि मेरा बड़ा भाई, जो कि तकरीबन एक साल के अरसे से बतौर मैनेजर नेशनल बैंक कायदाबाद में फराइज सर अंजाम दे रहा है और मैं अपने भाई को बेशतर औकात अपनी प्राइवेट गाड़ी पर खुद छोड़ने आता हूँ और मैं ये जो सिक्योरिटी गार्ड है इसे जानता हूँ कि अक्सर औकात ये अपनी ड्यूटी पर लेट आता था और मेरे भाई ने कई मरतबा ड्यूटी पर लेट आने की वजह से इसे डांट भी की थी और इस रोज़ भी हस्बे मामूल मैं माँ राजा फयाज अख्तर वल्द अख्तर हयात मामू अपनी गाड़ी पर अपने भाई को छोड़ने कायदाबाद जा रहा था और उन्होंने रास्ते में ये हमें बताया कि मैं सिक्योरिटी गार्ड की वजह से बहुत परेशान हूँ, उसका रवैया ठीक नहीं है। 8:30 बजे 4 नवंबर को सुबह मेन बाजार नेशनल बैंक कायदाबाद पहुंचे तो गाड़ी में इनसे पहले उतरकर जो भाई है इनका मैनेजर, FIR के मतन के मुताबिक, वो अंदर पहुंच गए और अंदर पहुंचे और ये लोग गाड़ी पार्क कर रहे थे तो इसी में इन्हें गोली चलने की एक आवाज़ आती है। गोली चलने की आवाज़ के बाद ये कहते हैं कि हम वहाँ पर गए, हमने वाकया देखा, सिक्योरिटी गार्ड को साइड पे किया गया, अस्पताल ले जाया गया। इतने में सिक्योरिटी गार्ड ने ख़त्म नबूवत के नारे लगाने शुरू कर दिए और ये ज़ाती रंज था, डांट डपट था, ज़ाती अनाद था, जिसकी बुनियाद पर इनके भाई को कत्ल किया गया। ये है FIR का मतन, जो कि FIR दर्ज कर ली गई है। अब
कहानी क्या है, असल में होता क्या है, एनी शाहिदीन ने क्या देखा, वहां पर मौके पर मौजूद लोगों ने क्या देखा, और बैंक के स्टाफ की तरफ से जो हमें कुछ खबरें मौसूल हुई हैं वो आपके सामने रखते हैं। चार नवंबर की सुबह तकरीबन सुबह 8:30 बजे का ही ये वाकया है। मकतूल मैनेजर जब बैंक आता है तो सिक्योरिटी गार्ड नवाज अपनी ड्यूटी पर खड़ा होने के बजाय अंदर बैंक में मौजूद था उस वक्त, जिस पर मैनेजर ने उसकी ड्यूटी के मुतालिक बाजपुरस की और उसे अपनी ड्यूटी बाहसन तरीके से सरंजाम देने का कहा, जिस पर मोहम्मद नवाज तैश में आ गया और अपनी 12 बोर पंप एक्शन का फायर मैनेजर पर खोल दिया, जिससे मैनेजर शदीद जख्मी होकर गिर पड़ा। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड नवाज ने खत्मे नबूवत के नारे लगाने शुरू कर दिए और नारे लगाते हुए वो बैंक से बाहर आ गया। इर्द गिर्द के लोगों ने जब शोर सुना तो वो मौके पर पहुंच गए। यूं वहां एक मजमा एक जुलूस की शक्ल इख्तियार कर गया। सिक्योरिटी गार्ड जो दूसरी जानब जख्मी मैनेजर इरफान हनीफ को अस्पताल पहुंचाया गया, जो कि बाद में चल बसा, और यूं जो इकदाम कत्ल का मुकदमा था वो कत्ल के मुकदमे में तब्दील कर दिया गया। काफी वक्त गुजरने के बाद अब मकामी लोगों और पुलिस के पास शवाहिद भी आ चुके थे कि जिससे इस सारे वाकये को शकूक व शुबहात में तब्दील कर दिया, और वो मालूमात क्या थी वो आपके सामने रखते हैं, जो पुलिस के पास और आम लोगों को भी बाद में जाके ये सारी चीजें रियलाइज हुई। एक तो इस मकतूल मैनेजर के फेसबुक पेज ने बड़ा अहम किरदार अदा किया, इसकी फेसबुक प्रोफाइल ने, जिस पर जो पोस्ट थी वो के खुद बता रही थी कि वाकया क्या है और ये जो बात है ये जाती अनाद हो सकता है, कोई और वजह हो सकती है, हुरमत रसूल या गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं हो सकती। अब वाके से कबल ये एक हकीकत है कि मैनेजर और सिक्योरिटी गार्ड के माबैन ड्यूटी के हवाले से नोकझोंक होती रहती थी। नवाज के साथ गार्ड्स कई बार बैंक मैनेजर से उसकी शिकायत कर चुके थे कि वो ड्यूटी ठीक तरीके से अंजाम नहीं देता, और बाज़ राय के मुताबिक नवाज जो है वो अदायगी नमाज को भी ड्यूटी में बचत के लिए बहुत दफा इस्तेमाल करता था। जाहिर बात है गार्ड की ड्यूटी हो तो उसे बहुत ज्यादा मोहतात रहना पड़ता है और नमाज को भी बड़ा ही देखभाल के पढ़ना पड़ता है, क्योंकि सिक्योरिटी का एक इशू है। तो इसके ऊपर ये जो नमाज का मामला है इसके ऊपर भी आगे जाके बताएंगे कि इनके दरमियान बहस क्या हुई थी, क्योंकि नवाज जो गार्ड है वो नमाज को नॉर्मली यूज करके उसका नाम लेकर बहुत सी रियायत लेने की कोशिश करता था अपनी ड्यूटी में। लेकिन ज्यादा तलखी वाला मामला उस दिन पेश आया जब एक दिन मकतूल मैनेजर का जो भाई है जिसने FIR दर्ज करवाई है, जिसकी मुदय्यत में FIR दर्ज हुई है, वो अपने भाई से मिलने आया। अब जब वो भाई से मिलने आया तो उसने मास्क नहीं पहना हुआ था, गार्ड के साथ उसकी तलक कलामी हुई, उसने बताया कि मैं मैनेजर का भाई हूं और मैं अंदर जाना चाहता हूं, जिस पर थोड़ी सी मुंह मारी हुई। अब हालात तो पहले से खराब थे, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल थी, अब इसने उसके मैनेजर के भाई को अंदर नहीं जाने दिया, अलबत्त बाद में उसे मास्क पहना के अंदर भेज दिया गया और सारी सूरत हाल कंट्रोल हो गई, और मैनेजर और सिक्योरिटी गार्ड के दरमियान थोड़ा सा ज्यादा मामला भी खराब हुआ जब उसके भाई ने अंदर जाकर अपने भाई को शिकायत लगाई कि इसने मेरे से बदतमीजी की है, इसने सिर्फ मास्क उतारने का नहीं, मास्क पहनने का नहीं, बल्कि काफी अल्फाज इसके ठीक नहीं थे। कहानी में खतरनाक मोड़ उस वक्त आया जब पहले बयान किए गए वाके से कुछ दिन बाद सिक्योरिटी गार्ड ने बैंक आने वाले एक शख्स को ना सिर्फ अंदर कुर्सी पर बिठाया बल्कि उसका काम करवाया, और अपनी ड्यूटी गेट से छोड़ के वो बैंक के अंदर मौजूद था और उसके सारे काम करवा रहा था, सारे उसकी जो मुख्तलिफ काउंटर्स पे जाने वाले काम थे वो करवा रहा था। अब उसने गेस्ट को अपने रिसीव किया, अंदर बिठाया, उसे प्रोटोकॉल दिया, इस सारे वाक़े को बैंक मैनेजर देख रहा था। मकतूल जो है बैंक मैनेजर ने गेस्ट के जाने का इंतजार किया और गेस्ट के होते हुए कुछ नहीं कहा। गेस्ट के जाने के बाद उसने सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया और उसे डांट पिलाई कि तुम्हारा काम गेट पे रहना है, बैंक की सिक्योरिटी करना है, तुम्हारा अगर कोई गेस्ट आया भी है तो तुम अंदर किसी को बता दो, वो उसे बेहतर तरीके से ट्रीट कर लेंगे, तुम्हारा काम गेट को छोड़ना नहीं है। अब बैंक मैनेजर ने कहा ये तो मेरे पीर हैं, ये मेरे पीर हैं, मैं इनकी इज्जत करता हूँ, आपके आप होते कौन है मुझे मेरे पीर की खिदमत से रोकने वाले। अब इस पर भी इनके दरमियान नोकझोंक हुई और बैंक मैनेजर ने कहा कि पीर क्या होता है भाई, अंबियाए कराम जो हैं हम उनकी पैरवी करते हैं, तुम पीर की पैरवी कर रहे हो और पीर का क्या मसला है कि, और ऊपर से तुम उनके ऊपर अपनी ड्यूटी से गफलत नहीं बरत सकते। अब इसका भी उसे रंज था। अब एक और बात, ये हमेशा जो बैंक मैनेजर है ये इस सिचुएशन को लेता था, ये समझता था कि नमाज जो है नमाज को इस्तेमाल करके नमाज का बहाना बनाकर ये हमेशा बचत लेता था और बहुत देर लगाता था, तो इसके ऊपर बैंक मैनेजर उसे कहता था कि तुम जिस तरह की ड्यूटी पर हो तुम सिर्फ नमाज में फ़र्ज नमाज भी पढ़ सकते हो, तुम्हारे लिए सुन्नत जो है वो अगर तुम उसे छोड़ भी देते हो, नवाफिल को छोड़ भी देते हो, तो कोई बहुत बड़ा मसला तुम्हारे लिए नहीं होगा।
इससे भी उस बैंक मैनेजर जो गार्ड है उसने बुनियाद बनाकर ये सारा वाकया बयान किया और कहा कि ये गुस्ताखे रसूल है, जबकि इस तरह की कोई बात नहीं। इनके दरमियान जाती रंजिश, जाती अनाद जरूर था। अब पुलिस के वाकये के ऊपर, पुलिस के किरदार के ऊपर बात की जाए, जारी बात है आपको पता है कि इस तरह के मामलों में जब लोगों के पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं होती, अब तो इलाके के लोगों को भी हकीकत पता चल चुकी है, तो लोग जज्बाती होते हैं। अगर हम मस्जिद की छत के ऊपर देख के लोगों को पीसफुल रहने का, मस्जिद माजरत पुलिस स्टेशन की छत पे सामने जब गफीर है लोगों का, जलूस की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, उनसे पुरअमन रहने की कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है बार बार कि इनके साथ वही किया जाएगा, इन्हें आशिके रसूल का प्रोटोकॉल दिया जाएगा, आप लोगों ने कानून हाथ में नहीं लेना, आप लोगों ने तोड़फोड़ नहीं करनी। और ये अच्छे तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया गया, क्योंकि मुश्तइल हुजूम कुछ भी कर सकता था, इंतहाई कदम उठा सकता था, इसे पुलिस से छुड़वा सकता था, और हुजूम तो हुजूम होता है, अगर हजारों लोग आ जाएं तो पुलिस क्या कर सकती है, उन्हें मार तो नहीं सकती। तो इस सूरत हाल में अब इस शख्स को जेल मुंतकिल कर दिया गया है, कत्ल का मुकदमा इसके ऊपर दर्ज है, और ये पूरी कहानी हमने आपके सामने रखी, और ये बड़ी गलत चीज़ है। मैं समझता हूँ गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्तेमाल करना, उसका गलत इस्तेमाल करना, इस शख्स के ऊपर दो मुकदमात होने चाहिए, क्योंकि ये जो असल केसेस हैं, अब ये जो नाम निहाद लिबरल हैं वो असल केसेस को भी मशकूक बना देते हैं, असल केसेस के ऊपर भी सवालिया निशान खड़ा कर देते हैं। तो इस शख्स के ऊपर दो मुकदमात होने चाहिए, एक तो कत्ल और दूसरा नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून का गलत इस्तेमाल। इसी के साथ मखदूम शाह को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।